अम्बाला में रोडवेज के ड्राइवर राजवीर की हत्या के मामले में रोडवेज यूनियन व संयुक्त मोर्चा ने चक्का जाम कर रखा है। इस चक्का जाम का असर इंद्री में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर यात्रियों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस को भी यहां तैनात किया गया है। रोडवेज के इंद्री अड्डा इंचार्ज का कहना है कि अम्बाला में हमारे ड्राइवर राजवीर की हत्या कर दी गई, जिस बारे में अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जिससे कर्मचारियों में रोष है। कार्रवाई को लेकर आज कर्मचारियों की हड़ताल पूरे हरियाणा में है और बाकायदा इन कर्मचारियों द्वारा चक्का जाम किया गया है। सिर्फ प्राइवेट बसें ही चल रही हैं, यात्रियों को कोई दिक्कत ना आए इसके लिए प्राइवेट बसों के चक्कर बार बार लगवाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि आज भैया दूज का त्योहार है, इसको लेकर बस स्टैंड पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों का कहना है कि हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों को आज त्योहार को देखते हुए ये चक्का जाम नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इससे आम जन परेशान हो गया है। आज भैया दूज का त्योहार है और हर भाई अपनी बहन के यहाँ जाकर इस त्योहार को मना रहे हैं, लेकिन इस तरह से हरियाणा रोडवेज का चक्का जाम होने की वजह से उन्हें इधर उधर भटकना पड़ रहा है। पुलिस का कहना है कि सुरक्षा की दृष्टि से सभी इंतजाम किए हुए हैं, यात्रियों को किसी प्रकार की कोई समस्या न आए इसको लेकर प्राइवेट बसों के चालकों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वे बार बार चक्कर लगाते रहें, ताकि यात्रियों को ज्यादा समस्या का सामना न करना पड़े। दिक्कत है क्योंकि त्योहारों का सीजन है और इस टाइम लोगों को इधर उधर जाना पड़ता है, खासकर भैया दूज, तो इनको निश्चित रूप से इस बारे में सोचना चाहिए था और कम से कम त्योहारों को देखते हुए अपनी हड़ताल को डिले करना चाहिए था, क्योंकि ये भी हमसे ही जुड़े हुए लोग हैं, लोगों से जुड़े हुए लोग हैं, और समाज के बारे में नहीं सोचेंगे तो किसके बारे में सोचेंगे, तो हम ही में से हैं लोग। अगर कोई ऐसी मांग थी तो उसको वो मीडिया के माध्यम से उठा देते। अगर किसी कर्मचारी की हत्या हुई है तो निश्चित रूप से उसके साथ न्याय होना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे में से हैं। और हड़ताल की जहाँ तक बात है तो और बहुत से तरीके हैं उसको गिरफ्तार करने के, न्याय दिलवाने के, तो निश्चित रूप से इनको थोड़ा सा इस बारे में विचार करना चाहिए। आजकल जैसे प्राइवेट बसें हैं और माध्यम हैं, लोगों के पास अपने साधन भी हैं, लेकिन कोशिश ये करते हैं लोग कि रोडवेज को प्रेफर किया जाए ताकि अपने साधन न उठाने पड़े, तो लोग वेट करके फिर अपने साधन उठाएंगे या किराए की गाड़ी करेंगे, वो महंगा व्यवस्था हो जाती है, तो सरकार को इस बारे में उचित कदम उठाना चाहिए। क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों ने? जी बस में जाना जी। अच्छा, तो बस नहीं मिल रही है? नहीं, बोल तो आई नहीं भी। अच्छा, कितनी देर से खड़े आप? हो गए 15-20 मिनट। अरे आप लोगों ने? अभी तो बस नहीं आई, प्राइवेट आई थी, उसमें भीड़ थी काफी। अच्छा, तो भीड़ क्यों लगी है? कुछ त्योहार है इस कारण से। ऐसा बस ही नहीं आ रही। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी यही है, बस की फैसिलिटी कम कर रखी है, पता त्योहारों का टाइम है, बस फैसिलिटी बढ़ाने की जगह और कम कर दी गई है। अच्छा, तो लेडीज को ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, जिन्होंने अपने अपने घर भैया दूज मनाने जाना है। त्योहार का भी सीजन है, भैया दूज का त्योहार है, उसको लेकर भी काफी परेशानी हो रही है। हाँ, त्योहार के लिए तो है सर परेशानी, और ये इतनी जल्दी करना है, लेट होते जा रहे हैं। अच्छा, अब जल्दी जाना है तो भाई तो इंतजार कर रहा होगा ना फिर। हाँ। क्या ऐसे में हड़ताल होनी नहीं चाहिए थी? नहीं होनी चाहिए थी, तो सरकार ने उचित कदम उठाने चाहिए थे। चाहिए थे, उनको कहना था दिक्कत आ रही है तो सबको, लेडीज वगैरह जो जेंट्स हैं सबको जाना है, टाइम पे जाना चाहिए, ये मुश्किल हो रही है। अब इतनी देर से खड़े हैं तो बाढ़ तो देख रही है ना। मेरा नाम कैलाश कुमार है जी, मैं इंचार्ज हूँ यहाँ। हड़ताल क्यों है, क्या कारण है? हड़ताल सर ऐसे है जी, अम्बाला डिपो में एक ड्राइवर की हत्या कर दी गई है, बड़े दुखद समाचार है, इसलिए स्ट्राइक पे हैं कर्मचारी, अपना इंसाफ मांग रहे हैं, और कोई बात है? तो जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक हड़ताल जारी रहेगी? हाँ, सरकार तो कुछ ना कुछ करेगी, ऐसी बात तो नहीं है, सरकार तो देखो पावरफुल है। क्या घटना हुई थी दिवाली वाले दिन जी? वही बता रहा हूँ ना मैं आपको, वो उसकी डेथ कर दिया किसी ने, कोई बता रहे हैं डस्टर गाड़ी में आए थे, उन्होंने उसको मारा मोरा, डेथ होगी बेचारे की। बस स्टैंड पे अब क्या स्थिति है, जैसे भीड़ लगी हुई है तो? बस स्टैंड पे प्राइवेट गाड़ियाँ तो आ रही हैं, भीड़ तो हम लगने नहीं देते इतनी। हाँ जी, जैसे भी है हम भीड़ को ख़त्म करा ही रहे हैं, जैसे गाड़ी आती है गाड़ी में चढ़ाते हैं इनको। हाँ जी, प्राइवेट गाड़ी में चढ़ा रहे हैं? हाँ जी, जब सरकारी नहीं आएगी तो इनको भीड़, यात्रियों को तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। हाँ जी, हाँ जी सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम PSI पवन कुमार है, थाना इंद्री से हूँ मैं। पवन कुमार जी, रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल है, उसको लेकर क्या कहेंगे? बस स्टैंड पर इंद्री में क्या स्थिति है अभी? यहाँ पे माहौल बिल्कुल शांत है, हमारी इंद्री थाना से PCR जो वहाँ पर लगातार गश्त कर रही हैं, और लगातार यहाँ पर रोडवेज कर्मचारियों के साथ में तालमेल बनाया हुआ है। काफ़ी भीड़ हो रही है यहाँ, उनको सवारियों को कैसे भेजा जा रहा है?
सवारियों को बसों में जैसे लाइनों में लगा कर साथ साथ भेज रहे हैं, प्राइवेट बसों में भेज रहे हैं। स्थिति सामान्य है? बिल्कुल सामान्य है सर, और अपने उच्च अधिकारियों के साथ में लगातार संपर्क है सर।